भारत में लाखों लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इनमें से कुछ ही अपने लिए हम सफर ढूंढ पाते हैं, तो वहीं बहुत से दिव्यांगजन मन चाहे वर वधु के लिए परेशान होते हैं। दरअसल दिव्यांग युवक युवतियों को विवाह के लिए मन पसंद साथी ढूंढने में काफी परेशानी होती है, क्योंकि समान शारीरिक क्षमता वाले लोग एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते हैं और वे चाहते हैं कि उनके जीवन साथी भी समान अनुभव वाले हो तो बेहतर होगा, ताकि उन्हें नए हालात में अपने आप को ढालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस परेशानी को दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन ने जाना और दिव्यांग हमसफर .com के नाम से वेबसाइट और ऐप का निर्माण किया। अभी तक पूरे भारत से 7,000 से अधिक युवक युवतियों ने इस ऐप पर डाटा संकलित किया है। फाउंडेशन ने पिछले वर्ष एक परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया था। इस वर्ष भी इसी तरह का परिचय सम्मेलन इसी वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। इस मई को रविवार को रविंद्र नाट्यगृह में दिव्यांग जनों का अखिल भारतीय राष्ट्रीय वैवाहिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 1,000 दिव्यांग बच्चे सभी प्रकार के आ रहे हैं, जिसमें मूक बधिर भी हैं, दृष्टिहीन भी हैं, निशक्त जन भी हैं, ये सब लोग आ रहे हैं। दिव्यांग हमसफर .com एक वेबसाइट है और एक ऐप भी है इस नाम से, जो पूरे देश में काम कर रहा है। लगभग 7,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया हमारे पास आ चुके हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके रजिस्ट्रेशन दिव्यांगों के हमारे पास नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या है कि नॉर्मल आदमी को रिश्ता ढूंढने में बहुत सारी समस्याएं होती है। ये दिव्यांग बच्चे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन से गांव में कौन से शहर में इस तरह के बच्चे मिलते हैं। इनको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, ये हमने बिल्कुल इनके साथ जुड़ के महसूस किया, तभी जाके हमने इस तरह की वेबसाइट और इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन हम हर देश के कोने कोने में करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि दिव्यांगों को घर बैठे सुविधा दिव्यांग हमसफर .com के माध्यम से भी मिल सके और प्रोग्राम के माध्यम से एक मंच देके इनका जीवन यापन और शादी के माध्यम से इनको जोड़े बनाने का काम हम करते हैं। बाबूलाल मीणा, दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन, सीओ। हमारी